आइसक्रीम तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन घर पे बनी आइसक्रीम का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ये आइसक्रीम हमने अपने हाथों से बनाई होती है और अपनी पसंद के फ्लेवर्स भी उसमें ऐड किए होते हैं, तो ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलो आज बनाते हैं ओरियो आइसक्रीम। तो ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 10 रुपये वाले 2 ओरियो के पैकेट, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1 कप मिल्क, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉपर मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहे जब हम उसको गर्म करने के लिए रखें तब। और अब उसके अंदर ऐड किया है मैंने 2 चम्मच चीनी और उसको फिर से मिक्स करके गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब कंटिन्यूसली चलाते हुए उसको पका लेना है, और अब एक उबाल आने तक उसको पका लेंगे। और ये हमारा मिक्सचर रेडी है, और उसको ठंडा करके फ्रीजर में रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। और अब मैंने ले लिया है एक बोल जिसको मैंने पहले ही फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम, जो छोटा वाला टीन आता है वो पूरा ले लेना है, और उसके अंदर ऐड किया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने 1/2 टीन यूज किया है, और अब जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है, थोड़ा बहुत सेट भी हो गया है, उसको ले लेंगे। और अब डबल बीटर की हेल्प से उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास डबल बीटर नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी ये प्रोसेस कर सकते हो। और अब अच्छे से हमने उसको फेंट लिया है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट्स जो हमने क्रश करके रखे थे, तो दोनों ही पैकेट उसमें ऐड कर देंगे। और अब बीटर से फिर से उसको अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। और अब मैंने ले लिया है एक एयर टाइट कंटेनर, यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम का ये कंटेनर पड़ा था तो मैंने वही यूज कर लिया है। जो हमने मिक्सर रेडी किया आइसक्रीम का वो डाल देना है, और उसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रीजर में 3 से 4 घंटे सेमी सेट हो जाए तब उसको फिर से एक बार बीटर से फेंट लेना है, ताकि एकदम फ्लफी बने हमारी आइसक्रीम। और ये देखिए हमने फिर से उसको फेंट लिया है। और अब मैंने ले लिए हैं ओरियो बिस्किट्स, तो उसको मैं हाथों से तोड़ के ऊपर से ऐसे उसके ऊपर डाल दूंगी, ताकि हमारी आइसक्रीम देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी। तो ऐसे 4 से 5 बिस्किट को तोड़ के हमें ऊपर से डाल देना है। और अब फिर से आइसक्रीम को ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए हमें सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देना है। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम एकदम रेडी हो चुकी है, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और ये आइसक्रीम हमारी एकदम रेडी है। अब उसको हम स्कूपर की हेल्प से निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम दिख रही है, ऊपर से मैं थोड़े से चॉकलेट सिरप से उसको गार्निश कर लूंगी। और ये देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी एंड सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।